भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम मंदिर की कथा भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिया था। उस समय रावण के कारण सृष्टि में अधर्म फैल रहा था। रावण एक ब्राह्मण था, इस वजह से रावण का वध करने पर भगवान श्री राम पर भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। मान्यता है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना लिए हुए इसी स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ पर ज्योति रूप में प्रकट हुए। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा शिव महापुराण में भी वर्णित है और ये बात उस समय की है जब रावण माता सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले गया था और माता सीता की खोज करने के लिए जब भगवान श्री राम तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लंका तो समुद्र के ठीक उस पार पर स्थित है। ये देखकर भगवान श्री राम असमंजस में पड़ गए कि इतना विशाल समुद्र भला पार कैसे होगा, और वे ये चिंतन करने लगे कि कैसे इस समुद्र को पार किया जाएगा और कैसे रावण को हराया जाएगा। वैसे तो भगवान श्री राम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और हर रोज भगवान शिव की स्तुति किया करते थे, किंतु किसी कारणवश तथा उनके सामने आई कठिनाइयों के कारण उस दिन भगवान श्री राम भगवान शंकर की पूजा अर्चना करना भूल गए। बिना पूजा किए हुए ही भगवान श्री राम उसी स्थान पर ठहर कर जल पी रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। इस आकाशवाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालू से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की। फिर भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद भी मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ ये वर भगवान श्री राम को दे दिया। भगवान शिव ने लोक के कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास करने की सभी की प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। कहते हैं कि तभी से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग वहां पर विराजमान है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की एक और कथा है। इस कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के इस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहां बहुत से ऋषि मुनिगण उनके दर्शन करने के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान राम ने उनसे कहा कि पुलत्स्य के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर भी ब्रह्महत्या का पाप लग गया है, अतः आप लोग मुझे इससे निवारण का, इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। ये बात सुनकर वहां उपस्थित सारे ऋषि मुनियों ने एक स्वर में कहा कि हे श्री राम, आप यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कीजिए और फिर उसका पूजन कीजिए, इससे आप ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति पा जाएंगे। तब भगवान श्री राम ने अपने परम भक्त बजरंगबली हनुमान को आदेश दिया कि कैलाश पर्वत पर जाओ और हे बजरंगबली एक शिवलिंग लेकर आओ। हनुमान जी भगवान राम की आज्ञा मानकर उन्हें प्रणाम कर बड़े वेग से आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भगवान शिव तपस्या में उस समय लीन थे। हनुमान जी भगवान शिव की तपस्या से जागने का, आंखें खुलने का इंतजार करते रहे। उधर रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा का मुहूर्त करीब आ रहा था, तब सीता माता चिंता में व्याकुल होने लगी। तब पूजा का शुभ मुहूर्त निकल जाने की आशंका से माता सीता ने रेत के शिवलिंग का निर्माण कर दिया और भगवान श्री राम ने सीता माता के द्वारा निर्मित शिवलिंग की स्थापना मुहूर्त के अनुसार की और फिर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वे ब्रह्महत्या के दोष और पाप से पूरी तरह मुक्त हो गए। शिवलिंग की पूजा समाप्त होने के बाद जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग की स्थापना तो हो चुकी है। ये देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। तब वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान राम ने बताया कि बजरंगबली परेशान मत हो, शुभ मुहूर्त ना बीत जाए इसीलिए शिवलिंग की स्थापना और पूजा करवानी पड़ी। लेकिन तब भी हनुमान जी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि बजरंगबली, अच्छा तुम्हारे द्वारा लाए हुए शिवलिंग की हम पुनः स्थापना करते हैं और इस शिवलिंग को उखाड़ देते हैं। ये सुनते ही हनुमान जी तो बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें अपने प्रभु राम का हर काम करना बहुत अच्छा लगता था। जब उन्होंने कहा कि बजरंगबली जाओ और शिवलिंग को उखाड़ो, तो बजरंगबली ने शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की,
शिवलिंग तो बिल्कुल भी नहीं उखड़ा बल्कि वज्र की तरह कठोर हो गया। बजरंग बली उस शिवलिंग को उखाड़ने का जितना प्रयास करते वो शिवलिंग उतना ही ज्यादा स्थिर और कठोर होता जाता। अंत में बजरंग बली ने शिवलिंग को उखाड़ने का एक और प्रयास किया और उस प्रयास में उन्होंने शिवलिंग को उखाड़ने में इतना जोर लगाया कि शिवलिंग तो उखड़ा नहीं बल्कि खुद बजरंग बली ही 3 कोस किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिर गए और मूर्छित हो गए। माता सीता ने देखा तो उन्हें पुत्रवत बजरंग बली पर बड़ा प्रेम आया, वशीभूत होकर वे रोने लगी। तब हनुमान जी को होश आ गया और उन्होंने श्री राम जी को देखा तो उन्हें पर ब्रह्म के दर्शन हुए। बजरंग बली ने रोते हुए भगवान श्री राम और सीता माता से क्षमा याचना की। तब श्री राम ने उन्हें समझाया कि ये शिवलिंग उनके द्वारा स्थापित किया जा चुका है, उसे सृष्टि की अब कोई भी शक्ति नहीं उखाड़ सकती। अपने भक्त हनुमान जी पर दया और स्नेह के कारण उनके द्वारा लाए हुए शिवलिंग को भी उन्होंने वहीं स्थापित कर दिया। ये देखकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम रामेश्वर रखा गया और हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग का नाम हनुमदीश्वर रखा गया। हनुमान जी के द्वारा लाया गया शिवलिंग मंदिर के भीतर हनुमान मंदिर में स्थापित है, वहां जाकर एक बार इन शिवलिंग के दर्शन अवश्य करने चाहिए। मंदिर में विशालाक्षी जी के गर्भगृह के निकट ही 9 ज्योतिर्लिंग भी हैं जो लंकापति विभीषण द्वारा स्थापित बताए जाते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की दक्षिण भारत में वही मान्यता है जो उत्तर भारत में काशी विश्वनाथ की है और यही कारण है कि यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए पूरे विश्व से भक्त लोग पहुँचते हैं। सावन के महीने में तो यहाँ खास तौर पर भीड़ देखने को मिलती है। अगर जीवन में कभी भी अवसर मिले तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जिस पर मेहरबान होते हैं, जिस पर कृपा करते हैं, उन्हें इन दिव्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का सुअवसर जीवन में एक बार अवश्य प्राप्त होता है। ये थी आज की कथा, आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आप में से जितने लोग भी शिव महापुराण की कथा सुन रहे होंगे उन्हें तो पता होगा कि इन दिनों शिव महापुराण में कौन सी कथा सुनाई जा रही है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक एक बार भी शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी है, मैं बता दूं कि आजकल आप शिव महापुराण की कथा में देवी सती और भोलेनाथ की कथाएं सुन रहे हैं कि किस प्रकार देवी सती ने अपने पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ में अपने आप को भस्म कर लिया था। उसके बाद जब उन्होंने पार्वती जी के रूप में दोबारा जन्म लिया, उस समय उन्होंने किस प्रकार से कठिन तपस्या की थी, किस प्रकार भोलेनाथ ने उनकी तपस्या को स्वीकार करके उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। बहुत सुंदर वर्णन है, शायद आपने इससे अच्छा, इससे सुंदर विस्तार पूर्वक वर्णन अपने जीवन में ना तो आपने कभी सुना होगा और शिव महापुराण की विस्तार पूर्वक कथा के अलावा आपको ये कथाएं कहीं नहीं सुनने को मिलेंगी। हो सके तो इन वीडियोज को आप जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आपने इन कथाओं को आज पहली बार सुना है।